नमस्कार भाई और बहनों, राम राम। कैसे हैं आप? तो भाइयों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरे चैनल पे जो नए आ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल है रवि गिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देवें ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो मिलते रहें। मैं आयुर्वेदिक नुस्खे आपको बताया करता हूँ, बीच में कुछ यंत्र मंत्र तंत्र भी बता दिया करता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में यंत्र मंत्र भी सीखे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, छोटी सी चीज जो हर घर में मिलेगी और आपके बहुत काम की है, और ये है काली मिर्च। आपको पता है कि काली मिर्च बहुत काम की चीज होती है, हर घर में मिलती है और इसके बिना रसोई अधूरी रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि काली मिर्च और मिश्री, काली मिर्च के 10 दाने ले लो और मिश्री ले लो थोड़ी सी, दोनों को पीस कर एक चम्मच की भक्की ले लो आप पानी के साथ में, आपके खांसी, सूखी खांसी आ रही है वो खांसी तुरंत रुक जाएगी, और इस प्रकार लेते रहेंगे तो आपको खांसी नहीं आएगी। तो आपको मैं बता दूं कि ये मैंने पहले भी नुस्खा बताया है कि काली मिर्च और मिश्री, जैसे आपको 100 ग्राम काली मिर्च लेना है तो 300 ग्राम आपको मिश्री लेना है, और दोनों को अच्छी तरह कूट के पाउडर बना के मिला लेना है और रख लेना है। जब कभी भी किसी को खांसी आए तो सबसे अच्छी बात कि एक चम्मच शहद के साथ में लीजिए। अगर आपके घर में शहद नहीं है तो डुप्लीकेट शहद लाने की जरूरत नहीं है, गुनगुने पानी में डाल के आप पी लीजिए, तुरंत आपके ऊपर उतना ही असर करेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज तीसरी और बताने जा रहा हूं कि आप काली मिर्च और मिश्री के साथ में तीसरी चीज मिला लेंगे तो बहुत ही बड़ा अमृत बन जाएगा। ये आपकी नेत्र ज्योति को भी बढ़ाएगा। आंखों की रोशनी अगर कमजोर पड़ गई है तो आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, चाहे यहां तक कि चश्मा लगा है तो चश्मे को भी ये कुछ दिन करने से उतार देगा। आपके अगर हाजमा खराब हो गया है तो हाजमे को कुछ ही दिनों के अंदर सही कर देगा, आपको भूख अच्छी लगने लग जाएगी और आपके खाया पिया हजम होने लग जाएगा। आपके अगर गैस बन रही है तो उस गैस को भी यह खत्म कर देगा। आपके बदहजमी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फुलावट में आ रहा है, कुछ भी खाने से पेट फूल जाता है, तो आपको क्या करना है कि ये जो नुस्खा बता रहा हूं इसको बना लेना, काली मिर्च और मिश्री के साथ में, आपको बहुत काम देगा। यहां तक कि अगर आपके अनिद्रा रोग है, आपको नींद नहीं आती है, पूरी रात बिस्तर पे आप पड़े रहते हैं लेकिन नींद आपकी आंखों से कोसों दूर होती है, तो ऐसे में आपको मैं नुस्खा बता रहा हूं कि काली मिर्च और मिश्री, 100 ग्राम काली मिर्च है तो 300 ग्राम मिश्री लेना ही लेना है, उसके साथ में आपको 200 ग्राम सौंफ ले लेना है, और सौंफ को हल्का हल्का रोस्ट करके इसको भी पीस कर पाउडर बना लेना है, फिर तीनों चीजों को मिला के और डिब्बे में रख लेना है। इसको आप एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, एक चम्मच दोपहर, दिन में 3 बार लेना शुरू कर दो। मैंने जितने रोग बताए हैं ये तीनों चीजें मिलकर आपके शरीर में अमृत बन जाएगी। आपके चाहे ब्लोटिंग हो रहा है, बदहजमी है, चाहे आपके भूख नहीं लग रही है, खाया पिया पच नहीं रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर आपकी आंखों की ज्योति कम हो गई है, या आपको खांसी आ रही है, गीली खांसी बलगम वाली है, चाहे सूखी खांसी है, किसी भी प्रकार की है, आपके इन सब रोगों के अंदर ये दवा आपकी काम करेगी। आप इस दवा को बना के सुरक्षित जगह पे रख लें ताकि वक्त जरूरत आपको काम आ सके। आप इसको आजमाइए। तब तक मैं एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हो रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।